नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नारबी रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशन कंपनी और मैं आपका दोस्त और होस्ट नीरज शर्मा। आज हम आपको बताएंगे डीप फ्रीजर में लॉक कैसे लगाना है। ये नए तरीके का लॉक है, इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है और कैसे लगाना है सब बताएंगे हम। तो देखिए दोस्तों, दो क्लिप मिली हैं, तीन क्लिप प्लास्टिक की हैं, एक लॉक है और एक प्लास्टिक का, और एक साथ के साथ कंपनी इसका एक स्क्रू ड्राइवर भी देती है और पेच भी देती है पूरे। तो अब हम इसको सबको एक साथ रख के खोल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब हम फ्रिज में देखेंगे लॉक कहाँ लगेगा। तो ये एक होल आता है जिस पर टेप लगी आती है, इस होल की टेप को हम छुटा देंगे, और इस होल की टेप को छुटाने के बाद एक जिसमें लॉक लगा हुआ है कि हाँ ये वाला लॉक, अब हम इसको देखेंगे कैसे लगेगा। ये ऐसे लगेगा, ऊपर की तरफ इसका होगा। तो ज़रा एक मिनट, हाँ इसको बंद करा, ये ऐसे। इसमें दो होल हैं, इस दो होल के हमें पेच करने हैं, और इसमें अगर ये नहीं जा रहा हो तो इसको हल्का सा साफ कर लें किसी चीज़ से, ताकि इसकी पफ निकल जाए। ये टाइप की आपको दिखाई देगी पफ बोलते हैं इसको, ये निकल जाए और ये आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ जाए। कोई तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस धीरे धीरे ध्यान से काम करना। इसके दो होल हैं, इन दो होलों के हमको पेच लगाने, ये वाले स्क्रू जो इसके साथ आए हुए। अभी हमने ये स्क्रू लगा दिए हैं, एक सेकेंड कैमरा। ये वीडियो इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप लोगों का छोटे छोटे काम हो जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो ठीक है, हमने ये लॉक लगा दिया है इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो कंपनी की तरफ से आया था। अब रह जाता है इसका ये ऊपर वाला, और इसके ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले का लॉक लगाएंगे। यहाँ पर चार पेच, हाँ।